गाइस, स्वागत है आप सबका स्मार्ट किचन सीरीज के इस एपिसोड में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए करा रही हूँ वीडियो हैमिल्टन बीच की टोस्टर की। और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, स्मार्ट प्रोडक्ट है और कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ रेसिपी इसमें बनाकर। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो देखिए गाइज, अनबॉक्सिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जो प्रोडक्ट है, प्योर मेटल से बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का है और आपकी किचन को एकदम चार चांद लगा देगा। और फिनिशिंग भी गाइज बहुत ही अच्छी है, लग रहा है एकदम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। तो गाइज, ये जो हैमिल्टन बीच प्रोडक्ट है ये है अमेरिकन कंपनी का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या निकला है। तो ये तो मेन टोस्टर है, इसके साथ यहाँ पर इन्होंने एक अलग से दिया है, इसके ऊपर आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। और ये जो है ये बन या पाव वगैरह होते हैं उनको गर्म करने के लिए यहाँ पर एक अटैचमेंट दिया है। तो गाइज, ये है इसकी कोड और इसकी जो लेंथ है वो 2 फीट है। और गाइज, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो प्लग दिया गया है वो यूके प्लग है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ यहाँ पर दिया गया है अडॉप्टर जो कि इंडियन सॉकेट में यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दी गई है मैनुअल बुक, इसमें आपको बताया गया कि इसको कैसे यूज करना है। और इसके साथ है ये वारंटी कार्ड। तो गाइज, इस जो प्रोडक्ट की वारंटी है वो 2 ईयर वारंटी है। तो गाइज, लुक वाइज तो आपने देख लिया कितना स्मार्ट है। और अब मैं बात करती हूँ इसके यूनिक फीचर्स की। तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो प्रोडक्ट है वो हैमिल्टन बीच का है और हैमिल्टन बीच फेमस है वर्ल्ड में अपने यूनिक फीचर और स्मार्ट प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये जो अटैचमेंट है ये बर्ड वॉर्मर है। तो एक तो ये स्मार्ट इसका फीचर यहाँ पर दिया है, ज्यादातर टोस्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये जो वाइड रेंज दी गई है। तो यहाँ पर आप पतली ब्रेड के साथ साथ जो मोटी ब्रेड आती है, बन आते हैं या फिर गार्लिक ब्रेड होती है, आप उसको डालकर इसमें इजिली टोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक स्मार्ट फीचर है। अब हम आते हैं यहाँ पर इसके बटन पर। तो गाइज, यहाँ पर 3 बटन दिए गए हैं, 3 टोस्टिंग फंक्शन है मैं कहूंगी यहाँ पर। तो जो फर्स्ट है वो है डिफ्रॉस्ट। सपोज आप फ्रीजर की कोई आइटम इसमें टोस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डालिए और ये बटन अगर आप दबाएंगे तो ये जो टोस्टर है वो उसको जितना टेम्परेचर डिफ्रॉस्टिंग के लिए चाहिए होता है ऑटोमेटिकली उसको डालकर उसमें टोस्ट करेगा। और सेकेंड जो है बटन वो कैंसिल के लिए, सपोज आपको इसको रोकना है बीच में तो आप यहाँ पर कैंसिल बटन दबाएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और थर्ड जो है वो है रीहीट के लिए। तो यहाँ पर ये जो रीहीट फंक्शन है 30 सेकंड के लिए, अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं तो 30 सेकंड के लिए आपका जो ब्रेड है या गार्लिक ब्रेड जो भी आप इसमें टोस्ट कर रहे हैं वो 30 सेकंड के लिए टोस्ट हो जाएगी। तो ये तो थे स्मार्ट फीचर्स। और यहाँ पर एक ये इजी क्रम ट्रे है, तो ये तो मोस्टली हर टोस्टर में होती है। तो गाइज, ये थे कुछ इसके फीचर्स। तो चलिए गाइज, अब ये जो यूके प्लग है इसको मैं बताती हूँ कि आपको कैसे इसमें जो ये इंडियन अडॉप्टर है इसमें डालना है। तो ये मैं निकाल कर दिखा देती हूँ आपको पहले। तो देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने इंडियन अडॉप्टर दिया है, तो इजीली आप इसको निकालिए। यहाँ पर ये कवर इसको लगा कर रखा हुआ है। तो देखिए, बस इसको आपको ऐसे इसके अंदर पुश करना है और आप इजीली इसको लगाकर यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको यूज करके। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ ब्रेड ली हैं और कुछ बन हैं और ये है डीप फ्रोजन आइटम मकिन। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाई वन सब चीजें बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड, तो इनको मैंने डाल दिया है और अब हम इसको नीचे ले जाते हैं। तो देखिए, जैसे इसको मैंने खुल किया लाइट ऑन हो गई और यहाँ पर ये जो नोब आप देख सकते हैं मैंने 0 पर ही इसको रखा है। तो ये जो है ये बेसिकली इसके लिए कि आपको कितना टोस्ट करना है, ज़्यादा टोस्ट करना है तो आप 1, 2, 3 ऐसे चूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी यहाँ 0 पर ही रखा है। तो देखते हैं कितने सेकेंड लगते हैं इसको ब्रेड को टोस्ट होने में। हीट तो काफ़ी अच्छी आ रही है अगर आप ऊपर से इसको हाथ रख कर देखेंगे। देखिए 30 सेकेंड लगे हैं और ये जो ब्रेड है आप देख सकते हैं ये सबसे कम जो मैंने आपको पहले बताया 0 पे मैंने इसको टोस्ट किया है। तो अगर आप इससे ज़्यादा टोस्ट करना चाहते हैं तो इस नॉब को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एकदम नॉर्मल जो टोस्ट है वो ब्रेड हो चुकी है। तो गाइज, यहाँ पर मैं 2 ब्रेड और डालकर इसमें टोस्ट करके दिखाऊंगी और ये जो नॉब है टोस्टिंग का इसको मैं लाऊंगी 1 पर। तो देखते हैं क्या डिफरेंस उसमें आपको रहेगा। तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 ब्रेड इसमें डाल दिया है और इसको आप देख सकते हैं अभी 0 पे है। अब मैं इसको ला रही हूँ यहाँ पर 1 पर। ठीक है, अब देखते हैं कि टोस्टिंग में कितना डिफरेंस आता है। तो उसको स्टार्ट कर देते हैं और कितने सेकंड्स लेता है और कितना ज़्यादा टोस्ट होता है वो अब हम इसमें देखेंगे। तो देखिए गाइस, टाइम कंप्लीट हो चुका है, ऑटोमेटिकली ये फुल ऊपर हो चुकी है और आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो जैसे ही मैंने इसको 1 पे किया तो ये इस तरह का टोस्ट हो चुका है। और मैं आपको अगर पहली ब्रेड दिखाऊं तो ये जो मैंने पहले 0 पे टोस्ट की थी तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये जो नो वाला फंक्शन है गाइस, आप सेट कर सकते हैं कितनी आपको ब्रेड को टोस्ट करना है।
तो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ये फ्रोजन वाली आइटम को रोस्ट करके। तो यहाँ पर मैंने मटन की टिक्की ली है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और एक और मैं डाल देती हूँ उसमें, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसको भी लगा देते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये बन है, इसको भी रख देते हैं कि ये गर्म करेगा, तो एक साथ दो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको डीफ्रोज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला बटन प्रेस आई थिंक पहले हमें पुल करना होगा और फिर हमें ये प्रेस बटन करना होगा। हाँ, तो पुल करने के बाद आप ये बटन प्रेस करिए और ये जो अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है टोस्ट होने में और कैसे टोस्ट होके आती है हमारी जो फ्रिज की आइटम है। तो अपन को चेक भी कर सकते हैं बीच में, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से गर्म हो चुका है तो आप इसको हटा सकते हैं, नहीं तो आप इसको अच्छे से फिट भी कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका, और बहुत ही स्मार्ट फीचर है इसका ये। तो आई थिंक जो हम फ्रीजर वाली आइटम इसमें डालकर टोस्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो देखते हैं कितने टाइम में हमारा जो टिक्की और टोस्ट की बाहर आती है। यस, टाइम हो चुका है और बन भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, एकदम क्रिस्पी, आप साउंड सुन सकते हैं। और चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा जो मेन हमने रखी थी आइटम इसमें, तो वो देखिए अब हम इसको निकालते हैं। तो गाइज देख सकते हैं काफ़ी टोस्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसको और टोस्ट करना है तो वापस रीहीट कर सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको और टोस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पर ये जो रीहीट फंक्शन है उसको भी हम यूज़ करके एक बार देख लेंगे। तो मैंने इसको प्रेस किया है और ये रीहीट वाला मैं इसको प्रेस कर देती हूँ। तो 30 सेकेंड ये रीहीट इसमें रखती है और देखते हैं उसके बाद कैसी टोस्ट होकर बाहर आती है। तो देखिए 30 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए गाइस परफेक्टली जो है टोस्ट हो चुका है और गर्म भी है काफ़ी। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है इस टोस्टर का। तो फ्रोजन आइटम को आप आराम से बिना तले हुए इसमें टोस्ट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बन भी इसमें आपने ऊपर एक साथ दोनों को इसको भी टोस्ट कर लिया है और इसको भी, तो एक बर्गर जो है रेसिपी आपकी बनकर रेडी हो जाएगी बिना सिंगल ड्रॉप ऑयल यूज़ किए हुए, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ बर्गर की रेसिपी, बहुत ही सिंपल, और 2 मिनट में 2 बर्गर आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले टोस्ट कर ली थी, आपको दिखाया था, तो रीहीट मैं एक बार कर लेती हूँ उसको रीहीट फंक्शन यूज करके। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये बन वार्मर भी रख देती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 2 एक साथ बर्गर रखकर। तो ये आप दो भी एक साथ गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रीहीट वाला बटन प्रेस करूंगी, और तो चलिए मैं इसको कूल किया है और ये रीहीट मैंने दबा दिया है। तो आपकी टिक्की भी रीहीट गर्म हो जाएंगी और इतने में ही आपके जो बन है वो भी गर्म हो जाएंगी। तो एक साथ 2 काम आप इसमें कर सकते हैं और एक हेल्दी बर्गर बनकर आपकी प्लेट में रेडी हो जाएगा गाइस, वो भी केवल 2 मिनट के अंदर। तो हमारे चैनल की खास बात यही है कि हम ऐसे प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो अपने आप में स्मार्ट और यूनिक होते हैं। तो गाइस 30 मिनट कंप्लीट हो चुकी है और बर्गर भी हमारे गर्म हो चुके हैं। यस, तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं, पहले बर्गर को मैं इधर रख लेती हूँ। और अगर आपको लगे कि 30 सेकंड कम है बर्गर के लिए तो आप उसको फिर से गर्म कर सकते हैं, बट मुझे काफ़ी लग रहा है तो मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो ये गाइस टिक्की भी निकल चुकी है, और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको बर्गर बनाकर। तो ये ले लिया है मैंने, इसको बीच से कट कर लेते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्टली जो है रोस्ट हुआ है। अब हम इस पर मैं लगा रही हूँ तंदूरी मेयोनीज़। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको, आप टोमेटो सॉस अगर आपको अच्छी लगती है तो वो लगा सकते हैं। अब हम रख देंगे टिक्की, और यहाँ पर आप अगर ऑनियन या टोमेटो वगैरह कुछ भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। और इसको हम रख देंगे और गाइस लीजिए हमारा जो बर्गर है रेडी है। और सबसे अच्छी बात यह है इस बर्गर की, हमने सिंगल ड्रॉप ऑयल इसमें यूज़ नहीं किया, एकदम परफेक्टली टोस्ट हुआ है। तो गाइस देखिए बर्गर रेडी है। चलिए गाइस अब मैं एक और रेसिपी आपको इसमें बनाकर दिखाती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ डबल डेकर गार्लिक चीज ब्रेड सैंडविच। तो मैंने पहले ब्रेड टोस्ट कर ली थी, बट इसको रीहीट कर लेते हैं एक बार। तो रीहीट मैंने दबा दिया, तो इतने हम इसकी तैयार कर लेते हैं सैंडविच में स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड बटर लिया है और कुछ इसमें मैं डाल रही हूँ ये चॉप किया हुआ गार्लिक, थोड़ा सा धनिया, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें डाल रही हूँ, और इनको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज लिया है गाइस, और देखिए ब्रेड जो है हमारी टोस्ट हो चुकी है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। और आप देखिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ ये जो मैंने अभी बनाकर तैयार की थी। तो अच्छे से आप इसके ऊपर लगा लीजिए, अब हम एक ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे और अब हम लगाएंगे ये चीज़।
तो यहाँ पर आप मोजरेला चीज या चीज स्लाइस जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं गाइज। और इसके ऊपर एक और मैंने पहले से टॉस कर ली थी ब्रेड, इसके ऊपर रख देते हैं। और लीजिए गाइज हमारा जो डबल डेकर गार्लिक चीज ब्रेड सैंडविच है बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको कट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कट करके दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टोस्ट हुआ है, एकदम क्रिस्पी साउंड आ रही है कट करते हुए। और लीजिए गाइज सैंडविच बनके रेडी, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए मैंने दो रेसिपी आपको इसमें बनाकर दिखाई है गाइज, और दोनों ही अमेजिंग है। तो आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए और बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाइए। तो गाइज रेसिपीज मैंने आपको इसमें बनाकर दिखा दी है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसको क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप स्विच जो है वो ऑफ कर दीजिए इसका, तो मैं भी यहाँ से ऑफ कर देती हूँ उसको। स्विच ऑफ करने के बाद अब हम इसको देखिए जो ट्रे मैंने आपको पहले भी दिखाई थी इसको निकालेंगे, और इसमें जो भी इस तरह का कुछ भी अगर आपको लगे कचरा है तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको निकाल सकते हैं और वापस से इसको इसमें लगा सकते हैं। और अगर आपको ये क्लीन करना है तो यहाँ पर मैंने लिया है स्पॉन्जी क्लॉथ, इसको हल्का सा वेट कर लीजिए और इस तरह से इसको आप इजिली क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करना बहुत ही आसान है, लेकिन बस ध्यान रखिए कि स्विच ऑफ करके ही और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तभी आप इसको क्लीन करिए, और टिश्यू से इसके इस तरह से इसको क्लीन करके रख दीजिए। तो देखिए एकदम परफेक्टली जो है क्लीन हो चुका है, और ये भी आप इसको भी आप जो बन वन है क्लोज कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसको आप रख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की वॉट्स की और प्राइस की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी वॉट्स के बारे में। तो इसका जो वॉट है वो 782-925 के बीच में है इसकी जो पावर कंजप्शन है। और प्राइस की अगर बात करें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसका प्राइस जो रिसेंट है वो चेक कर सकते हैं। वैसे अप्रॉक्सीमेटली इसका जो प्राइस है वो 4000 है, लेकिन आपको सेल में ये कम प्राइस में मिल सकता है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर मिल सकता है। तो गाइज ये था इस प्रोडक्ट का फुल रिव्यू, मैंने आपको इसके बारे में ए टू जेड सारी चीजें बताई हैं और रेसिपी भी बनाकर दिखाई हैं। तो गाइज अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सकता है इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी इस प्रोडक्ट के बारे में देख सके। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी किचन में कोई टोस्टर होना चाहिए तो 110 वीच का टोस्टर होना चाहिए। यस प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर प्राइस ज्यादा है तो उसके फीचर्स भी आपने देखे हैं ज्यादा है। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक डोंट गो हार्ड, टेक स्मार्ट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।